हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल मांसी सेल वर्ल्ड्स। गाइस, मेरा नाम है शैलेंद्र और आज का जो वीडियो है वो होने वाला है प्रोडक्ट रिव्यू सीरीज का। और आज का जो हमारा प्रोडक्ट है वो है हायर कंपनी का 15 लीटर वाटर गीजर, जिसका मॉडल नंबर है ES15V1। तो गाइस, ये वाला जो गीजर है वो मैं खुद यूज कर रहा हूँ फ्रॉम लास्ट 6 to 8 months। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह की इसकी परफॉर्मेंस मुझे मिली है, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है इस गीजर के साथ, किस तरह की इसकी बिल्ड क्वालिटी है, तो सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूं। तो फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो दोस्तों, फटाफट सब्सक्राइब करो चैनल को, साथ में जो नोटिफिकेशन की बेल होती है उसको हिट करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले देखते हैं कि बॉक्स में हमें क्या क्या मिलने वाला है और किस तरह का प्रोडक्ट रहेगा बॉक्स के अंदर। तो गाइस, सबसे पहले बॉक्स के अंदर हमें मिलता है इस तरह का एक गीजर, उसके बाद जो नीचे ये सेफ्टी बल्ब लगा हुआ है, इस तरह का एक बल्ब हमें मिलने वाला है। तो ये सिर्फ हमें दो चीज़ें बॉक्स के अंदर मिलती हैं, बाकी जो ये पाइप वगैरह होते हैं ये बॉक्स के अंदर नहीं आते हैं। जब इंजीनियर आता है इंस्टॉलेशन के लिए उस टाइम पर ये वाले पाइप वो अपने साथ में लेके आता है और इनको लगा देता है। तो इंस्टॉलेशन के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। जैसे आप प्रोडक्ट परचेस करते हो तो सेलर द्वारा आपका जो प्रोडक्ट है रजिस्टर कर दिया जाता है हायर के साथ, और आपके पास एक कॉल आ जाएगी हायर से और 24 घंटे के भीतर आपके यहाँ इंजीनियर की विजिट हो जाएगी प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन के लिए। तो गाइस, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है बॉक्स के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं इस कंट्रोलर की। तो यहाँ पर हमें टेम्परेचर कंट्रोल के लिए एक ये स्विच दिया हुआ है, यहाँ पर ऑफ है और यहाँ पर है इसका मैक्स टेम्परेचर, और यहाँ पर एक इंडिकेटर है। तो जैसे ही आप इसको घुमाओगे ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। ये इंडिकेटर गाइस अभी ऑन हो गया है और मैंने अभी इसको मैक्स पे कर दिया है। अभी ये बत्ती आप देख रहे हो कि लाल है, जैसे ही गीजर का सारा पानी गर्म हो जाएगा ये ग्रीन हो जाएगी। और ये वाला जो गीजर है ये आता है ऑटो कट के साथ, तो आपको स्विच ऑफ अगर करना आप भूल जाते हो तो ऐसा नहीं है कि गीजर कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ये एक बार अपनी लिमिट तक पहुंच जाएगा तो उसके बाद ये ऑटो कट हो जाता है। इसके बाद गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है शॉक प्रूफ। तो जो ये गीजर है ये आता है शॉक प्रूफ टेक्नोलॉजी के साथ। तो अगर कभी आपके गीजर के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाता है या कुछ वायर कट वगैरह जाता है जिससे करंट आ सकता है, तो उस कंडीशन में आपको इसमें किसी भी तरह का कोई भी शॉक नहीं लगेगा। इसके बाद गाइस, ऊपर एक मीटर दिया हुआ है, हालांकि इस मीटर का कोई यूज नहीं है, ये मीटर काम नहीं करता है, तो केवल ये एक एज अ शो पीस यहाँ पर दिया हुआ है। तो गाइस, अगर मैं बात करूँ इसकी हाइट की एंड विड्थ की, तो इसकी जो हाइट है वो करीब करीब 50 सेंटीमीटर है और इसकी जो विड्थ है वो 35 सेंटीमीटर है और इसकी जो इस तरह से चौड़ाई है वो भी 35 से 37 सेंटीमीटर है। तो गाइस, अगर इसके बाद इस तरफ बात करें तो यहाँ पर मॉडल डिटेल्स, एनर्जी रेटिंग, तो ये वाला जो गीजर है आता है 5 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ और कुछ अदर डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। तो गाइस, अब बात करते हैं इस गीजर की बिल्ड क्वालिटी की और इसके अदर फीचर्स की। तो किसी भी गीजर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है उसका टैंक। तो गाइस, इसका जो टैंक है वो है 2 मिलीमीटर थिक स्टेनलेस स्टील का UMC टैंक, जो कि कोटेड होता है 3 डिफरेंट लेयर के साथ। तो जो इसकी जो पहली लेयर है वो है डीकार्बोनाइज्ड लेयर, जो इसको बनाती है एक्सप्लोजन रेजिस्टेंस और जो प्रेशर रेजिस्टेंस। तो गाइस, अगर मैं बात करूँ इसकी दूसरी लेयर की, तो इसमें होती है कोटिंग एडिसिव लेयर की, जो इसको एंटी रस्ट और एंटी कोरिजन बनाती है। तो गाइस, अगर मैं बात करूँ इस टैंक पे जो तीसरी लेयर की कोटिंग होती है वो होती है NML लेयर, जो इसको बनाती है एक्सपेंशन और जो कॉन्ट्रेक्शन होता है उसका जो रेट होता है उसको काफ़ी रिड्यूस कर देती है, जिससे आपकी जो टैंक की लाइफ है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो गाइस, अब बात करते हैं कि ये गीजर कितना प्रेशर झेल सकता है। तो ये गीजर झेल सकता है 8 bar का प्रेशर, जो कि काफ़ी सूटेबल होता है अगर आप रह रहे हो हाई राइज वगैरह में, तो उसके लिए ये परफेक्टली सूटेबल है। तो गाइस, अब बात करते हैं इसके अगले फीचर की। तो गीजर का जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है उसका हीटिंग एलिमेंट। तो इस वाले गीजर के अंदर आपको मिल जाएगा इनक्लॉय 800SS हीटिंग एलिमेंट, जो कि बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है आपकी हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर में। तो इस अगर मैं बात करूँ इस गीजर के अगले फीचर की, तो ये वाला गीजर आता है TTS टेक्नोलॉजी के साथ, जिससे हमें इसमें मिल जाता है ऑटो कट एंड ओवरहीटिंग प्रोटेक्शन। तो गाइस, अगर बात करें अगली फीचर की, तो ये गीजर आता है RSE टेक्नोलॉजी के साथ, जिससे हमें मिल जाती है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इन हाई टेम्परेचर एंड इन हाई प्रेशर। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं इसके पावर कंजम्पशन की। तो ये कंज्यूम करता है 2000 वॉट का पावर और इसका जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है वो होता है 230 वोल्ट। साथ में अगर बात करें एनर्जी रेटिंग की, तो ये आता है 5 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस, वारंटी और यूजर रेटिंग्स की। तो अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ, तो इसको मैंने परचेज किया है अमेजोन से और इसकी जो करंट प्राइस है वो है 5,700 रुपये। अभी कुछ डील्स वगैरह भी चल रही हैं तो आपको और भी अच्छी प्राइस पर मिल सकता है। तो इसकी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। और गाइस, मेरी और भी जो रिकमेंडेशन है आपके लिए इसी तरह के गीजर्स की
उन सबकी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उन सारे प्रोडक्ट्स को भी चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है तो आप उसको परचेज कर सकते हो। तो गाइस अब बात करते हैं इसकी वारंटी डिटेल्स की, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसके साथ हमें मिलने वाली है 4 साल की वारंटी इसके ओवरऑल प्रोडक्ट पर और 7 साल की ह्यूज वारंटी इसके टैंक पर। तो गाइस इस क्योंकि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, इसका जो टैंक है काफी जबरदस्त बना हुआ है, इसलिए इसके साथ आ रही है 7 साल की वारंटी। तो गाइस अब बात कर लेते हैं यूजर रेटिंग्स की। तो अगर बात करूं अमेजोन की, तो इसको करीब करीब 200 लोगों ने रेट किया हुआ है और इसकी जो एवरेज यूजर रेटिंग है वो है 4 स्टार। अगर आप बात करो मेरी पर्सनल यूजर रेटिंग्स की, तो मैं दूंगा इसको 5 स्टार आउट ऑफ 5, क्योंकि इस प्राइस रेंज में एक ये जबरदस्त प्रोडक्ट है। तो और इसकी जो परफॉर्मेंस रही है और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इस प्रोडक्ट के साथ, वो काफी कमाल का रहा है। तो मैं दूंगा 5 स्टार आउट ऑफ 5। तो गाइस ये था हमारा रिव्यू इस हायर कंपनी के 15 लीटर गीजर का। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर देना। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करो दोस्तों, फटाफट सब्सक्राइब करो चैनल को, साथ में जो नोटिफिकेशन की बेल है उसको दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। गाइस हमारे और भी चैनल्स हैं जो इस टाइम स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे होंगे, आप इन सारे चैनल्स को विजिट कर सकते हो। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। साथ में हमें इंस्टाग्राम फॉलो करना मत भूलिएगा, इंस्टाग्राम पर हमारे ढेर सारे अपडेट्स आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आईडी है मानसी सेल। तो गाइस सब लेते हैं विदा, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।